I remember the days. Assalamualaikum my YouTube guys, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स। अपने मिशन को स्टार्ट किए हुए मुझे एक महीना पूरा हो चुका है और हर 15 दिन बाद अपना वेट चेक करती हूँ। लास्ट 15 डेज पहले मुझे मेरा वेट जो था वो 86 आ रहा था और अब चेक करते हैं कितना आ रहा है। ओह 84, दैट्स ग्रेट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और जब कभी वेट गिरता है तो आपको एक मोटिवेशन सी मिलती है कि यार बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, हमने और कंटिन्यू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा वेट गिर रहा है। जितनी सख्त मैं डाइट नहीं कर रही हूँ उतना मेरा अच्छा वेट गिर रहा है। ठीक है जी, मैं अपना कैलेंडर पर जो मैं निशान लगाती हूँ, जो मैं नंबरिंग लिखती हूँ आपके सामने, ये देखिए जी, लास्ट वीक मेरा आ रहा था, लास्ट 15 डेज पहले 86 आ रहा, तो अब मैं लिखूँगी 84। और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में 3.5 किलो वेट कम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल और बहुत दिल गुर्दे का काम है ये। जी हो चुका है जी वेट चेक, अब बनाने लगे हम अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट। बच्चे गए हैं स्कूल और एक दिन उनकी होती है ऑनलाइन क्लास और एक दिन होती है उनकी स्कूलिंग कैंपस में। तो आज वो स्कूल गए थे, सोचा कि मैंने वीडियो बनानी है तो मैं थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ। ये मैंने एक जार लिया है, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ब्राउन शुगर, जो अपने लिए मैं अलग से करके रखूँगी। वैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो चाय में या मीठे में ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, एक ऐसा ही बहुत ही बेकार चीज़ है कि चीनी नहीं छोड़ते भाई, हम लोग नहीं छोड़ते चीनी, हम लोग चीनी के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जो है ना, हमें अब अपना दिल गुर्दा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, चीनी को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा जब तक हमारा वेट कम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास है जी ब्राउन शुगर, जो मैं स्टोर से लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था जो मेरा शॉपिंग ब्लॉग था, ग्रॉसरी शॉपिंग ब्लॉग। और ये मेरे पास शक्कर भी पड़ी हुई थी, ये वाइट है वो ब्राउन है, दोनों से तकरीबन समझ ले कि एक ही चीज़ है। मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ, आप ये इस्तेमाल करें, मैंने काफ़ी लोगों को देखा ये इस्तेमाल करते हैं, तो सोचा कि मैं भी वैसे इस्तेमाल करती थी पहले, लेकिन लोग नॉर्मल रोटी में भी यूज़ करते हैं, मैं जस्ट डाइट में यूज़ करती हूँ तो बच्चे तो नहीं यूज़ करेंगे तो मैं यूज़ करूँगी, तो बस ये काफ़ी है। चीनी इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल कर लें, बहुत बेहतर है, वो आपसे आपका वो वेट गेन करती है, आपका वेट मेंटेन रखता है। ठीक है जी, ये मैंने जार में डाल के रख दिया है, अब बनाने लगी अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैंने शॉर्ट अपने चैनल पे डाल दी थी ताकि कुछ लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि व्लॉग देख सकें, या कुछ लोग स्किप कर देते हैं तो उनको फिर रेसिपी नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी रेसिपी यहाँ पर शेयर कर दूँ। यहाँ पर लीजिए, मैंने दो बनाना दो के ले लिए हैं, दो अंडे डाले हैं, ये मेरे पास वेनिला एसेंस है 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास है जी सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर, ये मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें दूध। और ये एक बहुत हेल्दी और बहुत ही फुल मील है, ब्रेकफास्ट है, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही प्रोटीन्स वाला, बहुत ही ज़बरदस्त बना था, यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए रखी है जी चाय, बच्चे भी आएंगे तो उनको मैं फ्रेश बना के दूंगी, सोचा अपना काम मुकाम पहले। ये ऑलिव ऑयल है टिन वाला, मैंने आपको बताया था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आज मैं ये यूज़ करूँगी। जस्ट हमने पैन को या आपके तवे को जस्ट ग्रिल कह रही हूँ, आपने जस्ट ग्रीस करना है ऑयल से और नहीं ज़्यादा लगाना। तो मेरे लिए ये अपना जो है ना, मैं अपना फुल हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप लाजमी इसको ट्राई करें, यकीन करें बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बल्कि मैंने शहद एंड में थोड़ा सा कम डाला था, आप कोशिश करें कि शहद थोड़ा ज़्यादा डालें तो आपको ज़्यादा यमी लगेगा। जी एक जो डोंगे वाली चम्मच होती है वो मैंने भर के डाली है, और बहुत ज़्यादा सारा लिक्विड एक ही दफ़ा मैं नहीं डाल देना, अलग तलग थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और छोटी छोटी गोल सी रोटियाँ समझ लें बनानी है, केक टाइप बनाना छोटा सा, ये बहुत मज़े का होता है, बहुत ही हेल्दी आपका ये ब्रेकफास्ट है। और काफ़ी ऐसे सोची थी कि मैं बनाऊंगी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना बना लूँ इसको। बहुत ही लाइट सा था और पता भी नहीं चला था किधर गया, क्योंकि ज़्यादा खाने वाले बंदे को ये बहुत थोड़ा लगता है, तो हमें जी गुजारा करना है, इसी पर गुजारा करना है, क्योंकि जो है ना हमें गिफ्ट जो लेना है जी। कभी मैं ग्रोसरी स्टोर से लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था, आज सोचा क्यों ना इसका स्टार्ट लिया जाए। बहुत ज़बरदस्त सा कलर था, रेड मैट में था, शाइनिंग नहीं थी, मुझे ज़रा अच्छा सा अट्रैक्ट किया है, तो और भी डिफरेंट कलर्स है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा मैंने ले लिया है। इसकी प्राइस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं थी, 230 था आई थिंक, या 250 था, कुछ इस तरह था, मतलब इसके दरमियान में था, तो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया है। आज मैंने शुगर नहीं यूज़ की है, चीनी नहीं यूज़ की है, वाइट वाली चीनी, तो मैं ब्राउन शुगर 1 चम्मच भर के 1/2 टीस्पून है ये मेरे पास, एक बड़े कप में मैं डाल दूँगी। वैसे थोड़ा सा कम था मीठा, लेकिन ठीक है, आपके लिए मेरा गुजारा अच्छा हो गया था। चलिए जी अपने हम आज थंबनेल की तरफ आते हैं और अपने टाइटल की तरफ आते हैं, कि जिसका मैंने आज व्लॉग का नाम रखा है ऑरेंज व्लॉग। ऑरेंज व्लॉग इसलिए रखा है क्योंकि आगे आपको मेरे व्लॉग में जस्ट ऑरेंज ही ऑरेंज नज़र आएंगे,
और एक तो होता है ना कि आपके किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो हफ्ते का गैप आए, 10 दिन का गैप आया, आप यकीन करें कि कॉन्टीन्यूसली 3 दिन मुझे जो मेरे हस्बैंड को वो जो है वो गिफ्ट दिए गए ऑरेंज के मौसम्बियों के, और मेरा टेबल बिल्कुल फुल हो चुका था, जबकि हमने अपने नेबर्स में अपने रिलेटिव्स में भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना मुझे संभाले नहीं चाहते। सोचा कि ये एक सीजनल फ्रूट है, चलो इसकी एक छोटा सा व्लॉग बना के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये है जी, आ जाओ जी, तो ये है जी हमारी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, त्रोड़ा बोलते हैं, आई डोंट नो आपकी ज़ुबान में ये उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, तो आप बैग समझ लें, इसको बैग है ये। तो ये है जी खानपुर से मौसम्बी आई है, और बहुत ज़बरदस्त पहला फर्स्ट जो हमारा गिफ्ट आया वो ये आया है, और बहुत ही फ्रेश, और वो कहते हैं हमने ख़ुद अपने हाथों से तोड़ के इसमें डाले हैं। तो ऐसे गिफ्ट जो आपको मिलते हैं वो बहुत ही अप्रिशिएटेड होते हैं, या आप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है कि बहुत नायाब होती है। वैसे तो हम दुकानों से परचेस कर लेते हैं, कोई सीज़न में ऐसी कमी नहीं होती है कि हम लें, लेकिन जब कोई प्यार से कोई दूर से आपके लिए लेकर आता है ख़ुद अपने हाथों से तोड़ के और आपको गिफ्ट देता है तो बहुत दिल की खुशी होती है। तो ये वॉश बेसिन में सारे डाल रहे, बास्केट मैंने जो है वो 2 रख ली हैं, इनके लीव सारे मैं अलग कर दूँगी और इनको अच्छे से धो के तो मैं बास्केट में, ये मैंने सारे रख दिए, 2 बास्केट्स मेरी फुल हो चुकी हैं। और अभी नेक्स्ट डे गुजरा ही नहीं था कि ये देखें एक और गिफ्ट आ गया है, ये है जी माल्टा, माल्टा मतलब किन्नू। अब ये मेरे फेवरेट है बेसिकली, वो भी मैं खाती हूँ, लेकिन ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और डाइट में तो ये बहुत ही अच्छे हैं, जूस बना के इसका पिए हैं, और वैसे भी आप खा लो तो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये जो है ये भी मैं निकाल रही हूँ, तो यही है कि अब निकाल के धो के तो नहीं, खैर इनका तो छिलका रिमूव हो जाता है, धो के नहीं, तो मैंने इनको जो है ना इनका कवर बीच में से निकाल दिया है, और इसको भी अब मैं बास्केट में डालूँगी। ये भी एक कार्टन आया था, तो ऑलरेडी जो है ना बास्केट पहले फुल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनको भी तो रखना है, क्योंकि डिब्बे में तो अब नहीं रख सकते, तो इनको भी जो मैंने बास्केट में डाला है जी। बस एक गिफ्ट समेटा और दूसरा ऊपर सर पे आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जूनी साहब आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे इन कामों में थोड़े थोड़े कामों में हेल्प करते थे। जो मेरा दरमियान वाला बेटा है सारे, वो माशाल्लाह जो मेरी किचन में हेल्प कराता है, मैं उसे कहती हूँ सारे तुम शेफ बन जाओ तो आगे जूनी किचन को तुम चलाना, तो माशाल्लाह मेरी काफ़ी हेल्प कराता है। और जूनी भी माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, मामा का बहुत ख्याल रखता है, तो कहते हैं मामा लाए मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, और बस ये काम चलते रहते हैं, और बच्चे काफ़ी हेल्पिंग है मेरे, हेल्प कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इतनी मेहनत की है तो अपना खाना तो बनता है, तो मैं ये अपनी जो है ना शाम का स्नैक ले रही हूँ, और 3 मैंने जो है वो किन्नू, 3 मौसमियाँ रखी हैं और 2 मैंने किन्नू रखे हैं, तो बस ये बच्चे भी खाते हैं साथ साथ, मैं भी खाती रहती हूँ, तो बस ये सारा टेबल पर पड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चों को काट के देना पड़ता है, वो छोटे हैं तो मतलब उनको काट के देते हैं तो वो खा लेते हैं, और मैं शाम को या फिर इनका जूस बना लेती हूँ समटाइम, या फिर मैं इसी तरह प्लेट पूरी जो है ना डेकोरेट करके अपने लिए, तो मैं पूरी प्लेट एक टाइम बैठ के खा लेती हूँ। और आप लोग भी लाजमी खाया करें, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है डाइट में, ठीक है जी। ये एक और आ गया है जी त्रोड़ा मतलब बैग, ये एक और आए हैं जी, और ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, बहरहाल ये भी दूर से आए हैं। और ये जो आपके जो मौसम्बी नहीं किन्नू जो आए हैं, वो ये थोड़े डिफरेंट हैं, और इनको हम काटेंगे तो ये अंदर से रेड निकलेंगे। मेरी बास्केट्स फुल हो चुकी थी, ये देखिए मेरे पास जगह ही नहीं है, तो ये भी 2 दिन के बाद एक और आया गिफ्ट, तो फिर मैंने जो है ना वो इनको इस बड़े वाले बॉक्स में मैंने कहा कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये जो एक बास्केट मैंने खाली की है, सोचा कि अब जो किन्नू आए हैं, किन्नू नहीं यार मौसम्बी ना, हाँ मौसम्बी मुझे याद नहीं रहता, मौसम्बी आई है, तो वो ये देखें जी, ये हस्बैंड ने मेरे काट के रखे हैं, तो वैसे पहली दफ़ा तो मुझे देख के अजीब सा लगा, लेकिन जब मैंने इनको खाया है ना तो यकीन करें बहुत मज़े का बना था। खैर वो भी मैंने सारे समेट के टेबल पर लगा दिए हैं, नेबर ने भी दिए थे, फैमिली में भी दिए थे, तो सोचा कि अब क्यों ना फ्रेश इसका जूस बनाया जाए, और भर के गिलास पीऊँगी, हस्बैंड को भी दूँगी और बच्चे भी पियेंगे, क्योंकि सीजनल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट का जूस बेस्ट होता है। तो जी मुझे बस वही काम है कि बस मशीन कौन निकालेगा, और बस मशीन कौन धोएगा, और मशीन कौन रखेगा, मशीन की सारी टेंशन होती है, वरना बंदा हर घंटे बाद फ्रेश जूस पी सकता है। तो यहाँ पर मैं माल्टे छील रही हूँ, और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक, मैंगो कह रही हूँ, ऑरेंज ड्रिंक। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मौसम्बी को किन्नू को मौसम्बी, और ऑरेंज और मैंगो, माय गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, और मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, और मुझे पता लगा है कि मैंने अभी जो पीछे जो है वो किन्नू नहीं मौसम्बी को किन्नू बोलती है, और अब मैं कह रही हूँ मैं नहीं कर रही, बस ठीक है ऊपर मैं वो बना दूँगी ऊपर, भाई ये मौसम्बी नहीं किन्नू है।
बरल नज़र तो आप लोगों को आ रहे हैं ना कि मौसम्बी के किन्नू है। तो बस ठीक है जी, हम बना रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज ड्रिंक और ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपके स्किन के लिए। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा बजाय कि हम कह रहे हैं बजाय कि हम बाहर से विटामिन की हम टैबलेट्स या गोलियां ला के खाते हैं पीते हैं, तो बेहतर है कि आप फ्रेश ड्रिंक पिएं। बहुत ज़बरदस्त है, बजाय कि आप डिब्बे का पिएं तो ये पिएं, बहुत ज़बरदस्त है। तो बस जी आज मैंने व्लॉग में बस ऑरेंज मौसम्बी और किन्नू और जूस और बस यही चलता रहा, ठीक है जी, क्योंकि आज हमारा व्लॉग ही था ऑरेंज व्लॉग और किसी डेली रूटीन के साथ इतना लंबा मौसम्बियों का और माल्टों का व्लॉग शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम वीडियो बने ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है जी, अब दीजिए इजाज़त, आज का मेरा ऑरेंज व्लॉग इतना था और तीन ग्लास ज़बरदस्त से, बल्कि तीन से ऊपर ही ग्लास रेडी हो चुके हैं, सब इंजॉय करेंगे, बच्चे भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी, हस्बैंड भी पियेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन ने हमने गिफ्ट भेजा उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Feel so bittersweet knowing